नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक पे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि रामदेव बाबा ने माफी तो मांग ली, लेकिन मांगी है आधी अधूरी माफी। तो पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दिखाने वाली हर वीडियो भोजन समाज के यूट्यूबर्स की न्यूज होती है, ये उनके विचार होते हैं, इनसे मेरा कोई भी लेने देना नहीं होता है। गाइस सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है, आप लोग ये स्क्रीनशॉट देखो। ये स्क्रीनशॉट है आर भारत का, यानी कि रिपब्लिक टीवी का, जो अर्णव गोस्वामी चलाता है। दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जहां पे मैंने मार्क किया हुआ है वहां पर देखो, इंतजार का समय कीजिए, आरक्षण भी खत्म होगा। ये कह रहे हैं राजनाथ, जो देश के डिफेंस मिनिस्टर है। अब आप देख सकते हो, धारा 370 हटने के बाद दोस्तों, तीन तलाक हटने के बाद सीधा निशाना आरक्षण पे किया जाएगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिल्में देखना हर किसी को पसंद होता है, और फिल्में देखने से ही हम लोग हमारे आसपास की जिंदगी को समझ पाते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल कुछ ट्रेंड चेंज सा ही हो गया है। पहले के जमाने में लोगों को धार्मिक गुलाम बनाने के लिए पिक्चरें बनाई जाती थी, अब लेकिन ऐसी फिल्में बनाई जा रही है जिससे हम लोग मुसलमानों से नफरत कर सके। जैसे कि अभी एक नई फिल्म आ रही है तानाजी करके, और दोस्तों एक फिल्म आई थी पद्मावत करके, और एक और आ रही है पानीपत करके। ऐसी फिल्में बनाई जा रही है जिससे भगवा रंग को मतलब बहुत सर्वोच्च बनाया जा सके और भगवा करण कर सके, यानी कि हिंदुत्व को बढ़ाने वाली फिल्में आ रही है। इसको लेकर शंभु कुमार ने कुछ बताया है, तो आप वीडियो देखिए। ताऊ, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से फिल्म, एक अभी फिल्म आ रही है निंजाई, जो एक मराठा योद्धा थे और सचमुच में योद्धा थे, लड़े जैसे शिवाजी के राज में थे वो, जैसे संभाजी महाराज थे। लेकिन घालमेल कहा किया जा रहा है मुसलमानों को मुगलों के बहाने कैसे दूसरे। अच्छा एक बात मान लीजिए कि मुगल अत्याचारी थे या तमाम मुस्लिम शासक अत्याचारी थे, तो आप उनसे युद्ध क्यों नहीं जीत पाए। पेशवाओं ने, शिवाजी महाराज ने युद्ध जीता मुगलों से, लेकिन पेशवा नहीं जीत पाए। उस पर भी बड़ा खुलासा करूंगा, और एक और बात बताऊंगा, ये जो फिल्म आ रहा, पूरी वीडियो की लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है, वहां से जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों इस पिक्चर के अंदर, तानाजी के अंदर ऐसे डायलॉग्स है जो जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं, जो मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करते हैं। जैसे कि एक डायलॉग इसका ये है कि JNU, यानी कि जो धागा होता है ना ब्राह्मणों का, उसको बचाने के लिए तलवार उठानी पड़े तो उठा लो। और महिलाओं के प्रति भी कुछ ज्यादा छंद दिखाया गया है, घूंघट प्रथा को बहुत अच्छा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है इसमें। तो भाई ऐसी फिल्में हमें नहीं देखनी चाहिए, और ऐसी फिल्में अक्सर ब्राह्मण ही बनाते हैं, क्योंकि उनको एक दूसरी कम्युनिटी के प्रति क्या बोलते हैं, नफरत पैदा करवाना है लोगों से। अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजेंद्र पाल गौतम, जो कि दलित समुदाय के एक मंत्री है दिल्ली सरकार में। दोस्तों उन्होंने कल एक ट्वीट करा, ट्वीट कुछ इस प्रकार था कि राम और कृष्ण कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, इनको हिस्ट्री में भी पढ़ाया नहीं जाता है, ये सब एक पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक पात्र हैं। बिल्कुल सही भी था, उनके ट्वीट का यही मतलब था। अब दोस्तों उसको रीट्वीट करते हुए डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक रीट्वीट करा, वो लिखते हैं कि ये बंदा क्या बोलते हैं, राम और कृष्ण के होने के सबूत मांग रहा है, इसके पिता को भी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता, तो क्या इसके पिता नहीं है। ऐसी आपत्तिजनक बात क्या बोलते हैं कैबिनेट मंत्री के लिए करते हैं। और दोस्तों बहुत सी बुरी बुरी बातें उन्होंने उसके लिए कही है। इसको लेकर बहुजन कवि राहुल नागपाल ने उनको कुछ जवाब दिया है और उनके भगवानों को लेकर कुछ बोला है, तो आप ये वीडियो देखिए। हाँ, ये बात जरूर है कि पौराणिक कथाओं में और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, तुम्हारे यहाँ जरूर कुछ ना कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जो बिना माँ बाप के पैदा होते हैं। कोई मुंह से पैदा होता है, कोई कान से पैदा हो जाता है, कोई कुंती जब सूरज को जल चढ़ाती थी तो सूरज से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इस तरह के मनगढ़ंत कहानी तुम्हारे यहाँ जरूर होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम के माँ बाप तक आप गए, तो आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि इससे पूर्व में भी आप एक बार बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर पर आरक्षण को लेकर के टिप्पणी कर गए थे, उसके बाद में आपको ANI पर आकर के रोते हुए माफी मांगनी पड़ी थी। आज तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इन द कमेंट बॉक्स। अब मुझे बताओ कौन पौराणिक कथाओं के पौराणिक पात्र है, यानी काल्पनिक पात्र है, और कौन सच्चे पात्र है जो कि हुए हैं और इस देश में समानता लाना चाहते थे। और हम तो है ही बाबा साहब अंबेडकर के वंशज। और जो राहुल नागपाल ने कहा है, आप उससे सहमत हो या नहीं हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बहुजन समाज के लोग, अक्सर अंबेडकरवादी लोग, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी का बहुत विरोध करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा ही विरोध मुझे देखने को मिला इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में। यहाँ पर गांधी की एक प्रतिमा लगाई जा रही है एक जगह पर, इसका विरोध करने के लिए बहुत से लोग सामने आ गए हैं भाई। और उनका कहना है कि वर्ण व्यवस्था को गांधी जी सपोर्ट करते थे, और इसका विरोध सिर्फ केवल और केवल एक व्यक्ति उस जमाने में, बाबा साहब अंबेडकर करते थे। तो ये वीडियो देखो। इसके जो स्टैचू लगाने नहीं चाहिए, उखाड़ने चाहिए, उतारने चाहिए, डिमोलिश करने चाहिए, जो इनकी कारगुजारी है।
सो हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं, क्योंकि भारत में जो जाति प्रथा है, जो वर्ण सिस्टम है, सबसे बड़े सपोर्टर वर्ण व्यवस्था के गांधी रहे हैं और बाबा साहब ने इसका विरोध किया है, संविधान में भी इसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया है। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। ये देखने के बाद मुझे तो यही समझ में आता है दोस्तों कि बहुजन समाज के जो ऐसे लोग हैं ना, जो बाबा साहब को समझ नहीं पाए, उनके आंदोलन को समझ नहीं पाए, उनकी विचारधारा को समझ नहीं पाए और केवल एससी एसटी का होने का एक ही फायदा उठा रहे हैं, आरक्षण का, सिर्फ आरक्षण खाने के लिए वो एससी एसटी के हैं, बाकी अंदर से पूरे हिंदुत्व वाले हैं। लेकिन बाहर के लोग जो पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब को समझते हैं, वो भी इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं मनुवाद का। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है भीम आर्मी की तरफ से। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी क्या बोलते हैं, जेएनयू पहुंचे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गए, वहां पर जाके उन्होंने छात्रों का हालचाल पूछा, उनके आंदोलन को समझा और वो किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये चीज समझी और वहां पर एक दमदार भाषण भी दिया। और वो मिले भाई क्या बोलते हैं शशि भूषण पांडे से, वही व्यक्ति जो अंधे है और उनको पुलिस ने लाठी डंडों से मारा था, एक क्या बोलते अंधे छात्र को इतनी बुरी तरीके से मारा था। तो ये वीडियो देखिए। आपसे मिलने की बहुत बड़ी इच्छा थी और साथ ही जिनको चोट लगी हुई है। दोस्तों अब देखने को मिल रहा है कि भीम आर्मी के जो संगठन के लोग हैं अब छात्रों के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि जेएनयू में आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि भीम आर्मी ने अपना स्टूडेंट विंग बना ही चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि भीम आर्मी का स्टूडेंट विंग आने वाले समय में यूनिवर्सिटी कॉलेजों में चुनाव लड़ते हुए दिखाई देगा। तो अगर आप यंग हो, कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो बताओ आप लोग क्या भीम आर्मी का साथ दोगे या नहीं दोगे, नीचे कमेंट करो फटाफट। दोस्तों लगता है बहुजन समाज का आंदोलन रंग लाया, पेरियर साहब को जो आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी रामदेव ने, अब उन्होंने माफी मांग ली है पूरे बहुजन समाज से और पूरे बहुजन महापुरुषों से। उनका ये ट्वीट देखो, इस ट्वीट में उन्होंने इतने बार जी लगाया है जैसे कि अंबेडकर जी, पेरियर जी, सावित्री जी, ज्योतिबा जी की, भाई जी भी शर्मा जाए। ये भाई बात होती है, एक कहावत है ना कि थूक कर चाटना, इसी ही कहते हैं। लेकिन इस बंदे ने दोस्तों पूरी तरीके से माफी नहीं मांगी है, इसने कुछ बोला है अंबेडकर जी के बारे में, सावित्री जी के बारे में, लेकिन कहता है कि पेरियर जी ने जो हमारे महापुरुष, पता नहीं यार इसके रामकृष्ण इसके महापुरुष कब से हो गए, उनके बारे में जो आपत्तिजनक बोला है, लिखा है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं है। तो ये वीडियो देखो लगा है। और मैं कभी भी महापुरुषों को जाति के आधार पर नहीं बांटता। मैं अंबेडकर जी को, ज्योतिबा फुले जी को, सावित्रीबाई जी को, संत रविदास जी को और महर्षि वाल्मीकि जी को केवल बहुजन समाज का नहीं मानता, मैं पूरे भारत का उनको महापुरुष और आदर्श मानता हूँ। मैंने पेरियार जी को भी कभी भी वैचारिक आतंकवादी नहीं कहा। हाँ, मैंने ये जरूर कहा है कि पेरियार जी के जो अनुयायी हैं वो वैचारिक आतंकवाद फैला रहे हैं। और आप पेरियार जी को जब पढ़ते हैं तब देखते हैं वो कहते हैं राम कृष्ण सीता ये दुष्चरित्र थे, ऋषि मुनियों ने दुराचार किया, व्यभिचार किया, इस तरह की के झूठे आरोप अपने महापुरुषों पर लगाना ये तो एक सरासर अपने ही पूर्व। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इन द कमेंट बॉक्स। लेकिन भाई इतना तो है कि हमारे बहुजन समाज से हमारी ताकत के आगे रामदेव को हमने झुका तो दिया है और ये हमारी ताकत का ही नतीजा है, हमारी एकता का नतीजा है कि हमने उसके खिलाफ अलग अलग जगह FIR कराई, उसके प्रोडक्ट को बायकॉट करा और ट्विटर पर ट्रेंड चलाया। सबसे बड़ा कि हमने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया 3-4 दिन लगातार, तो भाई इससे उसकी फट गई। तो भाई आप क्या कहना चाहोगे रामदेव के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। और अभी मैं कहना चाहूंगा कि रामदेव को अरेस्ट होना चाहिए और उसके जो प्रोडक्ट है पतंजलि उसको बायकॉट करो। तो भैया एट द लास्ट आप लोग माफी भी रामदेव के बारे में क्या कहना चाहोगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप एक ही वीडियो में पूरी बहुजन समाज की अपडेट देख पाओगे। और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। किताब जीत के खिताब कहते तुम, हम तुम्हारे साथ है, झंडा पकड़े हम
डंडा खाए हम कभी राम के नाम पे कभी क्रांति के नाम से, ना ईमान है तेरा कोई बस इतना ही जान ले। झंडा पकड़े हम डंडा खाए हम कभी राम के नाम पे कभी क्रांति के नाम से, ईमान है तेरा कोई ना इतना तू जान ले। मेरे घर पे मेंबर चार, घर पे प्रॉब्लम है हजार, इससे भी बदतर है मेरे लोगों का हाल। इसीलिए करता हूँ मैं रैप करने को सवाल, इसीलिए करता हूँ मैं रैप करने को सवाल।